नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एलटी ग्रेड एवं जीआईसी की वैकेंसी का बिगुल बज चुका है। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगा और इसके पीछे क्या साक्ष्य हैं, क्या प्रमाण हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बहुत कम समय में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा कि नोटिफिकेशन जल्द एलटी ग्रेड और मैंने जीआईसी दोनों की ही चर्चा की है। लगभग 7,000 से ज़्यादा सीटें वैकेंट हैं। शासन ने मांगी है सूचना और अगर देखा जाए तो यहां पे रिक्त पद कितने हैं इनके बारे में संपूर्ण ब्यौरा मांगा गया है। सुबह से आप लोग ये पेपर कटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, इसे आप लोगों ने देखा होगा। इसमें समकक्ष अर्हता स्पष्ट ना होने से कई वर्ष में रुकी थी भर्ती, यूपीपीएससी ने स्वीकृत के बाद शुरू होगी चयन प्रक्रिया। तो जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हट गई है। इससे पहले समकक्षता को लेकर बहुत ज्यादा बवाल था और बाद में क्या होता था कि ये सारी भर्तियां जो होती थी कोर्ट में जाती थी और कोर्ट में जाने में क्या होता था, ना आयोग उसका जवाब दे पाता था और ना ही डिपार्टमेंट उसका जवाब दे पाता था। ऐसे में समकक्षता ही हटा दी गई, मतलब जो आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा अब वही बच्चे क्या होंगे, एलिजिबल रहेंगे। उसके समकक्ष वाले जो होंगे वो अर्ह नहीं होंगे, वो फॉर्म आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोल्यूशन इनको नहीं मिला तो बोलते हैं ना कि जब आप हल ना ढूंढ पाओ तो प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर दो। वही है कि आप अगर फोड़ा सही ना कर पाओ तो फोड़ा काट के निकाल दो। तो इन्होंने काम वही किया है अंततः, लेकिन नासूर बना हुआ था। लेकिन फिर भी जब आए, अगर जो भी है हमें मंजूर है कि इन्होंने समकक्षता का जो भी सिस्टम था वो समकक्षता पूरा हटा दिया गया है और इस पेपर में यही बताया गया है। वर्ष 2021 में जो भर्ती हुई थी उसके बाद आया जो अधियाचन था उसके बाद लौटा दिया गया था। लौटाने का मैंने जैसे पहले भी बताया था कि लौटाने का जो बेस भी था केवल समकक्षता था। तो इसका मतलब कि 7,000 से ज़्यादा, अगर यहाँ पे देखें तो राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं और इन पद रिक्त पदों का ब्यौरा भी यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका मांगा जाने लगा है। इसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 3/10/2024 मतलब कि ये कल से ही चल रहा है और इसी में यह बोला गया है कि जनपद में संचालित शिक्षक विहीन एवं, अगर आपको यह क्लियर दिख रहा हो, थोड़ा सा यह क्लियर नहीं है बट फिर भी मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, जनपद में संचालित शिक्षक विहीन एवं न्यूनतम शिक्षक वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में किसे लिखा गया है, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, शिक्षा निदेशक के द्वारा लिखा गया है। माध्यमिक यहां पर शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश और यहां पर देखें तो शिक्षा नियुक्ति अनुभाग के द्वारा प्रयागराज के द्वारा लिखा गया। इसमें यही बताया गया है कि शासन से प्राप्त निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में सीधी भर्ती के माध्यम से एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता वेतन क्रम पुरुष महिला में चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना है। स्थानांतरण सत्र 2024-25 हेतु तो आपके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार कई विद्यालयों में एक या दो शिक्षक की क्या है यहाँ पे आवश्यकता है या कार्यरत है, जिसके कारण शिक्षण कार्य जो है वो सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसलिए स्थानांतरण सत्र 2024-25 में ऑनलाइन ऑफलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के उपरांत भी स्वीकृत कार्यरत या कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिवर्तित हो गई है, जिसके कारण कई विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या काफी कम हो गई है। तो कई सारे विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है। हालांकि इन्होंने जो फोकस किया है कि जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें नियुक्ति का देने का नियुक्ति पत्र देने की बात कर रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे अभी भी ऐसे थे जो वेटिंग लिस्ट वाले थे या जिनके भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी उनको ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन साथ में इन्होंने रिक्त पदों की जानकारी मांगी है और अतः निम्न बिंदुओं पर तत्काल सूचना प्रेषित की जानी है। कैसे राजकीय हाई स्कूल जहां पर कोई नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है, मतलब कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर कोई शिक्षक नहीं है, ऐसे राजकीय हाई स्कूल स्तर के विद्यालय जहां पर मात्र एक शिक्षक कार्यरत हैं, ऐसे राजकीय हाई स्कूल स्तर के विद्यालय जहां पर मात्र दो शिक्षक कार्यरत हैं, ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जिसमें कोई प्रवक्ता कार्यरत नहीं है, ऐसे राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जिसमें मात्र एक प्रवक्ता। तो आप देखेंगे यहां पर प्रवक्ता की भी बात किया गया, यहां पर शिक्षक की बात किया गया, तो ओवरऑल ये रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है और इससे यह समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अब शिक्षक भर्ती में
में भी थोड़ा सा, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, तो इस सारे सारे आयोग ने एक बार नई भर्ती निकालने का थोड़ा सा बोल सकते हो कि स्पीडअप किया है और इस पर जो पत्राचार है वो चलने स्टार्ट हुए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार ये बिल्कुल ठप पड़ा था और यकीनन अब जो इंतजार था, इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा था कि बच्चों ने आंदोलन भी किया, हर चीज किया, तो इसका उनका कहीं ना कहीं सीधा असर भी पड़ा है। तो जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों की मैं बात करूं तो दोनों में ही आपके 7000 से ज्यादा रिक्त पद हैं और इसके नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने के आसार भी हैं। इस वीडियो में बस इतनी सूचना दूंगा आपको, जीआईसी एलटी ग्रेड की पूरी तैयारी टीम परीक्षा प्लस, जैसे पहले भी जीआईसी की तैयारी एलटी ग्रेड की बहुत बेहतर तरीके से कराई गई थी, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे, लेकिन एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा और कंफर्म होता है फिर इसके बारे में सारी सूचना बताएंगे। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड क्या देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि हमारे पास जो 7 बच्चे हैं वो इतना इंतजार कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट उनका समकक्षता वाली जो बात है कि समकक्षता ये आप एलिजिबल होगे कि नहीं होगे, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, उस आधार पर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।